स्वामी जी, हम ब्रह्मनिष्ठ और क्षत्रिय गुरु जी को कैसे पहचान, जो हमें गुरु ढूंढना है अगर हमको आके मिलते हैं तो हम ब्रह्मनिष्ठ और क्षत्रिय गुरु है वो कैसे पहचान? उसका उपाय ये है, हम यदि सच्चे शिष्य बनते हैं गुरु अपने आप आपके जीवन में आ जाएंगे। आपके जीवन में जब सत शिष्य के लक्षण प्रकट हो जाएंगे गुरु आपको खोज लेंगे, आपको गुरु की खोजने की आवश्यकता नहीं। आप देखेंगे गुरु अनायास आपको प्राप्त हो जाएंगे। बट हमको अभी करना क्या, गुरु की खोज नहीं करना है, हमको बनना है शिष्य। वो शिष्य के लक्षण जो बताए उसको प्राप्त करने का प्रयत्न करना है। यदि हमें सचमुच में जिज्ञासा है, हम सचमुच में जानना चाहते हैं, ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं, हम सचमुच में हमारे पास विवेक बुद्धि है, सचमुच में वैराग्य की थोड़ी सी भावना है, सचमुच में मोक्ष की थोड़ी सी भावना है, आप देखेंगे गुरु आपके जीवन में प्रकट होंगे। जैसे नरेंद्र नाथ दत्त कॉलेज के विद्यार्थी थे, स्कॉटिश चर्च कॉलेज के, और उनको भी यही ये लालसा थी कि सब लोग बोल रहे ईश्वर पर ईश्वर है कि नहीं, जानने की बड़ी तीव्र आकांक्षा थी। इनमें सब प्रकट लक्षण प्रकट हो गए, मोक्ष था, विवेक बुद्धि थी, वैराग्य था, ये सब था नरेंद्र नाथ दत्त में। इसलिए उनको रामकृष्ण परमहंस नाम की कैसे मिले, नरेंद्र नाथ के जीते में क्वालिटी थी। रामकृष्ण परमहंस ने उनको कहा अरे आना दक्षिणेश्वर आना, केवल उनको एक गीत सुनाने के लिए गए थे वो तो। नरेंद्र नाथ गीत गाते थे अच्छे, तो गीत सुनाने गए, तो रामकृष्ण परमहंस समझ लिया ये है सदगुरु सद शिष्य है, बोला तू दक्षिणेश्वर आना। और फिर ये नरेंद्र नाथ भी उनको जो प्रश्न सताता था जिसका उत्तर कोई नहीं दे सकता था, क्या आपने तब बोलते थे ईश्वर की बात, ईश्वर की बात आपने बहुत बोली, मैं वकील का लड़का हूं, मुझे वे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, क्या आपने ईश्वर को देखा है, प्रमाण क्या है, प्रमाण दीजिए, कोई बात उसका उत्तर नहीं दे सकता था। श्री रामकृष्ण ने कहा मैंने खुद ने ईश्वर को देखा, यही प्रमाण है, मैंने खुद ने देखा है, इसका प्रमाण उससे ज्यादा क्या प्रमाण तुझे चाहिए, मैंने खुद ने ईश्वर को देखा है, इतना ही नहीं जैसे तुझे देख रहा हूं उससे अधिक प्रत्यक्ष रूप से मैं उनके दर्शन करता हूं, इतना ही तू चाहे तो तुझे भी उनके दर्शन करा सकता हूं, परंतु साधना करनी पड़ेगी, प्रयोगशाला माना पड़ेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस मिलके पानी बनते हैं, नहीं मानते, मानने की बात नहीं, तुम आओ लेबोरेटरी में आओ हाइड्रोजन प्रोसेस करो फिर बोलो हम नहीं मानते। तो इसी राम कहते हैं मैंने देखा है तुझे भी देखा जाता है, लेबोरेटरी में आप पहले प्रैक्टिस कर, और पिया नरेंद्रनाथ ने प्रैक्टिस की और खुद को निर्वल समाधि प्राप्ति हुई। इसीलिए तो शिकागो धर्म सभा में अपनी अनुभूति के पल पर वो श्वेता शतु लोग बोल सके थे, शुणवंतु मुख्य अमृत पुत्र आए धामानी दिव्यानी तस्व, मैंने स्वयं उस परम पुरुष को देख लिया है तो सभी दुखों से क्यों बोल सके थे अपनी अनुभूति के, कैसे उन्होंने प्रैक्टिस किए थे, उन्होंने ये सब चारों योग की प्रैक्टिस की, चारों योग का समन्वय किया, उन्होंने ये सब साधना की और फिर उनको प्राप्ति हुई, ये उन्होंने बताया ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपीरियंस नॉट इन थ्योरी, किताब से नहीं शास्त्रों से नहीं, अपने जीवन में उनको अनुभव के बेसिस पर, अनुभूति के बेसिस पर उन्होंने बताया। तो कहने का मतलब क्या है, आप में जब शिष्य के लक्षण प्रकट होंगे गुरु आपके जीवन में प्रकट होंगे, सामने से गुरु आएंगे।